दोस्तों आपने ये सॉन्ग तो सुना होगा, ये क्या हुआ कैसे हुआ। तो बस भाई अब यही गाना गाने की नौबत आई जब हमने सुना कि फिल्म पुष्पा 2 अब विकी कौशल की फिल्म छावा से क्लैश करने वाली है। मतलब अगेन क्लैश पे क्लैश, क्लैश पे क्लैश, और हमसे ज्यादा इस क्लैश से रश्मिका मंदाना का मूड खराब हो चुका है, क्योंकि छावा की रिलीज डेट 6 दिसंबर बताई गई थी और अब पुष्पा 2 को भी इसी दिन कूदना है। वैसे ये तो गलत बात है पुष्पा भाई, आपके लिए लकी महीना इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी वो करें। अब पुष्पा 2 को लेकर तो हम सबको पता है, पर छावा एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे वॉरियर संभाजी महाराज की कहानी है, जिन्हें छावा कहा जाता था, और विकी कौशल इस ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा में महाराज संभाजी बनने वाले हैं और रश्मिका इसमें उनकी पत्नी येसु बाई का रोल प्ले करने वाली है। तो एक ही दिन रश्मिका की दो दो फिल्में आएंगी तो फिर धक धक तो करने लगेगा ना दिल। और अब तो टैलेंटेड एक्टर्स आमने सामने होंगे, विकी वर्सेस अल्लू अर्जुन, दोनों ही नेशनल अवार्ड विनर्स है। अब विकी एक वर्सेटाइल एक्टर है, फिल्म मसान से डेब्यू करने के बाद उन्होंने राजी संजय से कई पलों में अपनी एक्टिंग रेंज दिखाई, जहां वो सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए और 2019 की फिल्म उरी ने एक मैचो मैन के तौर पर उन्हें प्रेजेंट किया। पर सरदार उद्धम, सैम बहादुर जैसे बायोग्राफिकल ड्रामा में भी उनकी एक्टिंग पोटेंशियल को सराहा गया। अब एक्शन कॉमेडी बायोपिक के बाद अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने के लिए उन्होंने एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करने का सोचा है, और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि महाराष्ट्र राज्य और खास करके मराठी ऑडियंस के लिए भगवान है। और ऊपर से रश्मिका जो साउथ से लेकर हिंदी में एंट्री मार चुकी है, वो अब एक मराठी महारानी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है इसमें। तो ऐसे में इस फिल्म को लेकर किसी की भी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, और विकी कौशल को इस योद्धा वाले कैरेक्टर में लोगों ने पहले ही सर पर ले लिया है। ऐसे में इस फिल्म का क्लैश पुष्पा 2 के साथ तो नहीं होना चाहिए था, पर पुष्पा 2 वाले ही क्लैश कर रहे हैं। अब पुष्पा 2 को लेकर कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, पोस्टपोन होने की वजह से फैंस नाराज तो है, मेकर्स को धमकियां दे रहे हैं लीगल एक्शन लेने का, पर ये भी बस इसलिए क्योंकि वो अल्लू अर्जुन के क्रेजी फैंस है और पुष्पा जैसे ब्रांड को वो जल्द से जल्द पर्दे पर देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका दीवानापन है। और हिंदी मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन मिले जैसे कि अजय देवगन की फिल्म में, तो डेफिनेटली ऑडियंस तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगी, और ऐसे में पुष्पा 2 को वैसा फायदा नहीं मिलेगा जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब विकी के साथ क्लैश करने पर भी यही चीज होने वाली है, तो ये इन दोनों की फिल्मों को ना अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन का जैसे एक लॉयल फैन बेस है, वैसे ही विकी का भी है अपना एक तगड़ा फैन बेस। हाँ, इनके फॉलोअर्स के नंबर्स में आपको फर्क नजर आएगा, पर इससे इन दोनों को लेकर ऑडियंस का प्यार हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें भी छावा के मेकर्स ने रश्मिका को कास्ट करके एक बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिनका एक तगड़ा साउथ फैन बेस है जो अब इस मराठी हिस्टोरिकल कहानी से जुड़ जाएगा। तो मेकर्स बहुत कुछ सोच समझकर दांव खेल रहे हैं, पर क्लैशेस के चक्कर में उनके दांव कहीं फंस ना जाए। पर डेफिनेटली अब ऐसा लगता है कि शायद छावा वालों को पीछे हटना पड़ सकता है, क्योंकि पुष्पा सामने है बिल्कुल एक दहाड़ बनकर, और इस फिल्म का क्रेज हर किसी को पता है। वैसे आपको क्या लगता है, छावा को पोस्टपोन करना चाहिए या फिर इनका क्लैश ओके रहेगा? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।